शिंदे गुट के विधायकों का आरोप, नक्सली धमकी के बावजूद उद्धव ने एकनाथ को नहीं दी थी सुरक्षा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नक्सलियों की धमकी के बावजूद एकनाथ शिंदे को जेड प्लस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। वहीं ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में गृह राज्य मंत्री ने इन आरोप से इनकार किया। शिंदे जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री होने के अलावा ठाकरे सरकार में नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली के संरक्षक मंत्री थे। पुलिस के अनुसार फरवरी 2022 में गढ़चिरौली में पुलिस कार्यवाही में 26 नक्सलियों के मारे जाने के 2 महीने बाद उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला था। सुहास कांडे और पूर्व गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई, दोनों शिवसेना विधायक और शिंदे समर्थक, ने एक समाचार चैनल को बताया कि ठाकरे ने निर्देश दिया था कि शिंदे की सुरक्षा को अपग्रेड नहीं किया जाना चाहिए। कांडे ने दावा किया कि पुलिस ने ठाकरे और तत्कालीन गृह मंत्री राकांपा के दिलीप वल्से पाटिल को सूचित किया था कि नक्सली शिंदे को मारने के लिए मुंबई आए थे, फिर भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। देसाई ने टीवी चैनल को बताया कि उन्हें ठाकरे का फोन आया कि क्या गृह विभाग ने शिंदे की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में कोई बैठक की है। उन्होंने दावा किया कि मैंने उनसे कहा कि उस दिन एक बैठक हो रही थी, मुझे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सुरक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता। गौरतलब हो कि ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार को गिराने के बाद शिंदे पिछले महीने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने संवाददाताओं से कहा कि देसाई ने उन्हें बताया था कि उन्हें एक दिन सुबह 8 बजे फोन आया था, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि शिंदे की सुरक्षा में सुधार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि केसरकर ने यह बताने से इनकार कर दिया कि फोन करने वाला कौन था।